तो दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ हैना के प्रोफेशनल हॉट एंड कोल्ड हेयर ड्रायर का, जो मैंने अमेजोन से मंगवाया है और आज ही डिलीवर हुआ है। दोस्तों ये प्रोडक्ट अमेजोन चॉइस कैटेगरी में फीचर है और इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है। जैसे मैंने बताया, इस कंपनी का नाम हैना है, HANA। ये कंपनी 30 साल पुरानी है। तो चलो अब इसे अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाया है। मेरे पास ऑलरेडी एक है, लेकिन उसमें सिर्फ हॉट एयर ब्लो होता है, तो मुझे एक कोल्ड एयर प्लस हॉट एयर हेयर ड्रायर चाहिए था, तो ये पर्सनल यूज़ के लिए है। तो ये है इसका बिल। तो कुछ ऐसे पैकिंग में आता है, ये प्लास्टिक कवर में रैप है। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है, पहले कार्डबोर्ड, फिर ये प्लास्टिक कवर में रैप है, उसके अंदर फिर एक बॉक्स है। तो चलो अब इसकी प्लास्टिक भी काट लेते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स में क्या। आप देखो, ये कुछ 2000 वॉट का इसकी वॉटेज पावर है, एडवांस एसी मोटर टेक्नोलॉजी। इसकी MRP है 999, लेकिन जैसे मैंने बताया ये मुझे 545 का पड़ा है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, इसके स्पेसिफिकेशन 2000 वॉट वोल्टेज का है, मोटर टाइप इसकी एसी है, एसी मोटर है, 240 वोल्टेज और नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी है। अब देखते हैं इस पैकेज में इंक्लूड क्या क्या है, वो इसको खोलने के बाद पता लगेगा। तो चलिए अब इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। तो ये है इस बॉक्स में, ये दो कंसंट्रेटर, ये मैनुअल पेपर, मैनुअल इंस्ट्रक्शन रखते हैं साइड में। तो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, हॉट एंड कोल्ड हेयर ड्रायर। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नॉट सो लाइट, नॉट सो हैवी। हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी। ये दो कंसंट्रेटर, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, सॉफ्ट मटेरियल है, अच्छे दिखते हैं और क्वालिटी भी ठीक है इनकी, ऐसे हार्ड नहीं है, डिसेंट क्वालिटी है। इनको रखते हैं साइड में, बाद में लगा के देखेंगे इनको। इसका वायर क्वालिटी भी अच्छा है, प्लग भी गुड क्वालिटी का है, इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, फिनिश भी ठीक है, बैजिंग नहीं है बट लेकिन इट्स गुड। ये इसमें तीन बटन आते हैं, ये वन एक है सर्कुलर गोल बटन, उसका बताऊंगा आपको। ये ब्लैक बटन जो है इससे ऑन ऑफ होता है, और इसमें ये रेड बटन जो है ये हॉट एयर के लिए है। की क्वालिटी भी अच्छी है, तो चलिए अब इसे करते हैं ऑन और देखते हैं इसका एयर थ्रो कैसा है। तो यहां देख लेते हैं, ये बटन जो जिससे ऑन होता है इसमें वो 0, 1, 2 स्पीड दी है। ये हॉट एयर का बटन है, इसमें भी 0, 1, 2 स्पीड दी गई है। ये जो सर्कुलर बटन है इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये हो गया ऑन। अब जब हम इसे ब्लैक बटन को ऑन करते हैं तो सिर्फ हमको ये कोल्ड एयर देता है। फिर ये कर दिया सेकंड स्पीड में, तो उसका एयर थ्रो और ज़्यादा हो गया। आपको शायद आवाज़ आ रही होगी माइक में, काफ़ी अच्छा थ्रो है, एयर काफ़ी अच्छी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, जितनी होनी चाहिए मेरे हिसाब से उतनी ही है, जो बालों के लिए सफिशेंट है।
अब ये रेड बटन जैसे मैं प्रेस किया तो अब हॉट एयर इसमें ब्लो होना शुरू हो गया। इसमें भी तीन दो स्पीड्स हैं, 1 और 2। 0 का मतलब तो आप जानते ही हैं ऑफ। अब ये जो गोल बटन जो मैंने आपको बताया, ये जो आपको दिख रहा है, इससे क्या होता है, जब आप ब्लैक बटन ऑन रहता है तो एयर थ्रो हो रही है, फिर आप जब रेड बटन भी ऑन करके रखते हैं डैट मीन्स कि हॉट एयर ब्लो हो रही है, लेकिन जैसे आप इसको प्रेस करते हैं बीच में तो ये स्विच है, जैसे आप प्रेस करेंगे हॉट एयर आना बंद हो जाएगी और फिर से कोल्ड एयर शुरू हो जाएगी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका रेड बटन यानी कि हॉट एयर ब्लो का बटन ऑन है तो उसे रहने दीजिए, आपको अगर बीच में कोल्ड एयर चाहिए तो आप इस बटन को प्रेस करिए और कोल्ड एयर आना शुरू हो जाएगी। तो अब ये कंसंट्रेटर भी लगा के देख लेते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, ईजली अटैचेबल एंड डिटैचेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मैंने एक्चुअली ये कोल्ड प्लस हॉट हेयर ड्रायर इसलिए मंगाया था क्योंकि हॉट एयर से कंटिन्यूस जैसे अगर आप अपने बालों को ड्राई करते हैं और नॉर्मल हॉट एयर वाला ब्लोअर यूज़ करते हैं तो उससे आपके बालों को काफ़ी डैमेज होता है लॉन्ग रन में और आपके हेयर भी फॉल होने शुरू हो जाते हैं और आप देखेंगे बाल काफ़ी वीक हो गए हैं। तो इसलिए आप मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ये कोल्ड वाला हेयर ड्रायर मंगाइए और जब भी आपको बालों को सुखाना है इसे सुखाइए और आपके बाल सेफ रहेंगे। थैंक यू।